वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप जरूर अपने दिमाग में रखें। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है, ये आपके सामने प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। तो पहले प्रश्न का उत्तर है हर्ट्ज। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये पैरामीटर है क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड का यूज करते हैं किसके लिए? CPU की स्पीड मापने के लिए। तो CPU की स्पीड मापने के लिए जिस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है उसका नाम है क्लॉक स्पीड। इसको याद रखें। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उदाहरण है इंपैक्ट प्रिंटर का। तो इंपैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आती हैं, तो यहाँ पे एक ये आपके सामने पिक्चर है, तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का जो है वो लेखा जोखा दिया गया है। तो पहले हम इसमें बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आती हैं। तो इनपुट डिवाइस में आएगी कीबोर्ड, जो आप देख सकते हो कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, ये भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक जो गेम खेलने में यूज होती है, तो जॉयस्टिक भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी आपके इनपुट डिवाइस में आता है। बार कोड रीडर, ये भी है इनपुट डिवाइस। अब बात करेंगे आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है। तो आउटपुट डिवाइस में आता है हेडफोन्स, हेडसेट, लेजर प्रिंटर, या प्रिंटर कैसा भी हो वो किस में आएगा? आउटपुट डिवाइस में। स्क्रीन, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्रीन की बात की जा रही है। इंकजेट प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस में है। प्लॉटर, ये भी आउटपुट डिवाइस में आते हैं। स्पीकर्स, जो स्पीकर्स होते हैं वो भी आउटपुट डिवाइस में आते हैं। अब बात आती है कि इस घेरे में जो है वो किस में आते हैं। तो इस घेरे में जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके के डिवाइस में आते हैं। कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में आता है, ठीक है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में, ठीक। तो डेटा लेने में और डेटा ट्रांसफर करने में हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं, ओके। टच स्क्रीन, ये भी इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। सीडी और डीवीडी, ये भी इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। वेब कैम भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में आती है। फैक्स ये भी, और मोडेम ये भी जो है इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन जो है आप अपने माइंडसेट में रखिए कि इनपुट में कौन कौन आते हैं और आउटपुट में कौन कौन से आते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। कई लैन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, कई लैन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है। तो बहुत सारे लैन को आपस में जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं राउटर का। किसका यूज करते हैं? राउटर। अगला क्वेश्चन, बूट अप पर, ध्यान दीजिए बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहां से प्राप्त होता है। तो बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश आपको प्राप्त होता है रोम बाई ओएस या ROM BIOS, ठीक। तो ROM BIOS से आपको बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है। इस प्रश्न को ध्यान से देखें। हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वो होता है सेक्टर्स में। किसमें? सेक्टर्स में। तो हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है कहाँ पे? सेक्टर्स में। अगला क्वेश्चन, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए CPU और RAM के बीच निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसको ये जो होती है वो होती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का यूज क्या है? ये है CPU की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए CPU और RAM के बीच में
कनेक्शन मतलब उसके बीच में से जिसका उपयोग किया जाता है वो है कैश मेमोरी। तो ये जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को तेज करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर स्टोरेज में हम अक्सर सुनते हैं KB, MB, GB, TB, PB, ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम एक एक के बारे में जाएं कि KB का क्या मतलब है, MB का क्या मतलब है, GB क्या है, TB क्या है, PB क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ भी है, देखिए KB होता है किलोबाइट, MB होता है मेगाबाइट, GB होता है गीगाबाइट और TB होता है टेराबाइट, इसके साथ में PB होता है पेटाबाइट। अब हम इसको जानेंगे कि इस किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट की कैपेसिटी कितनी होती है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि एक निब्बल कितना होता है। ठीक है, तो एक निब्बल में 4 बीट होते हैं और 1 बाइट में 8 बीट होते हैं। अब हम यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पे हम कलर ले लेते हैं रेड। देखिए एक निब्बल में 4 बीट, 1 बाइट में 8 बीट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 बाइट में कितने निब्बल होते हैं, तो 1 बाइट में आपको मिलेगा 2 निब्बल, राइट, 1 बाइट में 2 निब्बल, 1 बाइट में 2 निब्बल। अब 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स जो होता है वो 1 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, या 1 किलोबाइट कहें 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है और 1 GB में 1024 MB होता है। 1 TB में 1024 GB होता है और 1 PB में 1 PB में होता है 1024 TB। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है स्टोरेज कैपेसिटी को, कंप्यूटर के स्टोरेज को, आप ध्यान में रखें। ठीक, अगला प्रश्न, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर नहीं होती है उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो आपके पास कीवर्ड्स क्या है, तो जिस मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन है वो परमानेंटली स्टोर्ड नहीं हो वो कहलाएगी वोलेटाइल मेमोरी। जैसे कि अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जब पावर ऑफ होने पर और सिस्टम बंद होने पर वोलेटाइल मेमोरी में जो मौजूद डाटा और इंफॉर्मेशन होती है वो अपने आप ही डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी को कैसे परिभाषित करेंगे, जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर नहीं होती है उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जिसका मतलब होता है कि पावर ऑफ होने पर और सिस्टम बंद होने पर वोलेटाइल मेमोरी में मौजूद जो डाटा और इंफॉर्मेशन होता है वो अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, रैम किस प्रकार की मेमोरी का एग्जाम्पल है? तो रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम क्या है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। तो जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर्ड होती है, ठीक है, तो जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर्ड होती है उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इस तरह की मेमोरी में पावर ऑफ होने पर और सिस्टम बंद होने पर भी इंफॉर्मेशन और डाटा मेमोरी में सुरक्षित रहती है, इसमें डाटा डिलीट नहीं होता है। तो इस प्रकार की मेमोरी को क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब रोम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? तो रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है। रोम क्या है, रोम है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन, वायरस का पूरा नाम क्या है? ठीक, तो वायरस का जो फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर वायरस की बात की जा रही है, ठीक, तो कंप्यूटर वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या हुआ, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज।
अगला प्रश्न, SSD अक्सर हम सुनते रहते हैं, SSD, तो SSD का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD का फुल फॉर्म है। आप प्रयागराज इंस्टीट्यूट पे जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म से जो इंफॉर्मेशन है आप उस पे वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न, अब SSD क्या होता है इसको जाने हम लोग, ठीक है। तो SSD है क्या? तो SSD एक प्रकार का स्टोरेज ड्राइव है। यह डाटा स्टोर डिजिटली स्टोर करता है। डेटा को कैसे स्टोर करता है? डिजिटली स्टोर करता है। और यह एक नई टेक्नोलॉजी है। तो आज की डेट में डेटा स्टोर करने के लिए हम SSD का भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। ध्यान दीजिए, कंट्रोल CTRL, शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट कहलाता है मॉडिफायर की। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाता है, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाता है बूट अप। तब बूट अप क्या है? कंप्यूटर स्टार्ट करना ही बूट अप कहलाता है। अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शंस कीज की संख्या होती है। आपको बताना है कि कीबोर्ड में फंक्शंस कीज की संख्या कितनी होती है, कितने नंबर होते हैं। तो इसकी संख्या होती है 12। और ये कैसे जाना जाता है? F1, F2, F3 एंड इसी तरीके से F12 तक आपको 12 फंक्शनल की देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान से देखिए इसको, BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न, कैट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CAT, कैट स्कैन का फुल फॉर्म बताना है। तो ये होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ध्यान से देखिए, ये है टोमोग्राफी। तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन, ये होता है CAT स्कैन का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, CDOT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CDOT का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। फिर से इसके फुल फॉर्म को देख लीजिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये है फुल फॉर्म CDOT का। फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। आज की डेट में जो भी सुपर कंप्यूटर हैं, उनकी जो मेमोरी आती है, उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, वो फ्लॉप्स में आती है, ठीक है, पेटा फ्लॉप्स में स्पेशली। तो फ्लॉप्स का जो फुल फॉर्म होता है इसमें फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर होता है MICR का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, NICNET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ध्यान दीजिए, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। तो NIC इसमें क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। और NET क्या है? यह है नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिर से देखिए इस प्रश्न को, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है बूटिंग। क्या कहलाएगा? बूटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया कहलाएगी बूटिंग।
BOOTING। अगला प्रश्न, इंटरनेट का आविष्कारक किसको कहा जाता है? ठीक है, तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, या इंटरनेट के आविष्कारक कौन जाने जाते हैं, या इंटरनेट के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये है विंटोन सर्फ। ध्यान दीजिए, क्या नाम है? विंटोन सर्फ। ये है इंटरनेट के आविष्कारक। अगला प्रश्न, किसी प्रोग्राम में बग, ध्यान दीजिए, किसी प्रोग्राम में बग, BUG, किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है? तो बग का मतलब होता है एरर। बग का मतलब क्या है? एरर। तो किसी भी प्रोग्राम में जो बग होता है वो होती है एरर। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड चिप मतलब आईसी चिप का आविष्कार किया था J.S. किल्बी ने। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।